हमारा जो फ्रेंड है मनोज एंड बहुत सारा फ्रेंड लोग नागालैंड के निकल गए, तो मेरा उनके साथ जाने का प्लान था, पर बोलते हैं ना रेस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट, क्योंकि मैं इन बच्चों को लिया था तो इनका पूरा जो एक महीने का टेन्यूर है ख़त्म करके जाना था, बल्कि मैंने मना कर दिया। तो दो तीन बार मुझे ऑप्शन मिल चुके हैं नागालैंड जाने का, पर जा नहीं पाया, पर नागालैंड से प्यार जरूर मिल रहा है। बहुत सारे नए नए सब्सक्राइबर्स आए नागालैंड से, थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। ऐसा कुछ मौसम है पासीघाट का, कुछ दिनों के मेहमान हैं हम इस रूम के। 1, 2, 3 खाना भी पक गया और यहाँ मैं देखो मैंने पैकिंग कर लिया, ये बीच वाला सेल को खाली कर दिया, यहाँ पे केमिकल्स लोग को रखा है। हेलो, हमको छोड़ के चला गया, हमको छोड़ के चला गया मनोज, हमको छोड़ के चला गया तुम लोग। तो यहाँ मैंने खाना निकाल लिया, काफी बढ़िया है, नमक ले लिया और घी ले लिया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज बॉय प्रीतम। आज मैं यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद प्रीतम, आप सब जहाँ भी होगे ताबड़तोड़ मस्ती करो, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। फिलहाल इस ब्लॉग की शुरुआत सुबह की 11:45 AM से शुरू कर रहा हूँ, एंड आज ना पासीघाट में सुबह से बारिश दे रहा है, कल से तो लाइट भी नहीं था, अभी भी फिलहाल लाइट नहीं है। दो घंटे के लिए लाइट आया था तो मैंने मोबाइल को चार्ज किया था, मोबाइल में मेरा शट डाउन पड़ा हुआ था। तो आज सुबह अबाउट मैं 4:30 में उठ चुका था गर्मी के कारण, उठ के फटाफट पूजा वूजा दिया क्योंकि आज मंगलवार है, तो मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा एंड उसके बाद टीका मैं नहीं लगाया हूँ, रीज़न बिहाइंड मैं काम कर रहा था, उसके बाद सीधा उसके बाद फिर से मैं एक बार नहा के सब टीका वगैरह लगाऊंगा अच्छा से। एंड अभी मंदिर भी जाना है पर मंदिर जाने का वक्त नहीं है, बच्चा थोड़ा बाद में आने वाला है, सुबह का एक टीम को ख़त्म किया पढ़ा के, उन लोगों को जाने दिया है। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट जब तक कुछ नहीं खाया, तो सोच रहा हूँ अभी मैगी वगैरह बना के खा लेता हूँ। सुबह मैंने चाय बनाया था, चाय बना के खाया पिया मैंने, सॉरी बेंगल में सब कुछ खाते हैं ना, इसलिए किचन का हालत तो काफ़ी ज़्यादा गंदा है, मैं किचन इसलिए नहीं दिखाता हूँ। सुबह चाय बनाया था, धो वो के रखा एंड अभी से मैं धीरे धीरे पैकिंग करना शुरू करूँगा। तो आज मैं इस बुक्स लोग को पैकिंग करूँगा और इसका अंदर में जो भी चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों को फटाफट वापस पैकिंग करना होगा हमको पूरा। तो पैकिंग धीरे धीरे शुरू करना पड़ेगा, रीज़न बिहाइंड हमको टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि मैं अभी क्लासेस करते जा रहा हूँ ना, तो संडे हो जाएगा 30 ऑफ जून एंड 1 जुलाई, ये 30 को ही मैं शिफ्ट कर जाऊँगा मेरे ख्याल से, तो लास्ट क्लास करके मैं शिफ्ट कर जाऊँगा। तो सारे बच्चे को इन्फॉर्म कर दिया हूँ, मुझे बहुत दुख लग रहा है एक्चुअली, बहुत सारा चीज़ें सपना लेके आया था पर चीज़ें हुआ नहीं अकॉर्डिंगली, भगवान का दूसरा मर्जी होगा कुछ, राइट। एंड हमारा जो फ्रेंड है मनोज एंड बहुत सारा फ्रेंड लोग नागालैंड के निकल गए, तो मेरा उनके साथ जाने का प्लान था, पर बोलते हैं ना रेस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट, क्योंकि मैं इन बच्चों को लिया था तो इनका पूरा जो एक महीने का टेन्यूर है ख़त्म करके जाना था, बल्कि मैंने मना कर दिया। तो दो तीन बार मुझे ऑप्शन मिल चुके हैं नागालैंड जाने का, पर जा नहीं पाया, पर नागालैंड से प्यार जरूर मिल रहा है, बहुत सारे नए नए सब्सक्राइबर्स आए नागालैंड से, थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। पर जब मेरा सिचुएशन थोड़ा सा दामबुक जाने के बाद, देखो फिनेंशियली भी बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, वो भी मैं आपको बताते रह रहा हूँ ब्लॉग्स में, तो सब कुछ जब थोड़ा सा स्टेबल होगा मैं फ्री माइंड से आऊँगा। एंड डेफिनेटली मुझे पता है कि वहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, नो डाउट हमारे यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा प्यार करें, जिसकी वजह से धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ कर रहा है। 3 साल हो चुका है अभी तक 6,000 सब्सक्राइबर, मेरे लिए बहुत बड़ा बात है, लोगों का 1,000 भी हो जाए तो बड़ा बात होता है, हम छोटा छोटा चीज़ों में बहुत खुशी मानते हैं खुद को। बहुत जल्दी पेमेंट भी आने वाला है, लास्ट $1 नियर अबाउट बचा, वो पेंडिंग होकर बैठा हुआ, व्यूज़ इतना खास नहीं आ रहे होंगे, पर पहला पेमेंट आने से ना अलग ही ज़्यादा खुशी मिलता है, राइट। तो फटाफट से कुछ बना लेते हैं, यहाँ से हम मैगी निकालते हैं, मैगी बनाएगा पहले, अंडा एक ठो है लगता है लेकिन अंडा तो आज नहीं खा पाएगा, तो मैगी बनाना पड़ेगा और मैगी में भी हम मसाला यूज़ नहीं कर पाएगा, बॉयल ही खाना पड़ेगा, देखते क्या करें, क्योंकि आज मंगलवार है ना, तो मैं निरामिष खाता हूँ आज और शनिवार को, बहुत मानता हूँ बृहस्पतिवार मतलब थर्सडे को तो नहीं मानता हूँ। तो अभी फटाफट से थोड़ा सा पैकिंग भी करना शुरू करना पड़ेगा, तो रूम को थोड़ा मिला लेता हूँ, पूरा हैपाजेट मैनर में है रूम एकदम, लाइट भी नहीं है ना पूरा ऐसा है, और मैं फिर खिड़की में ना पर्दा लगा के, पर्दा बहुत छोटा हो गया ना इसलिए लग रहा है, क्योंकि बाहर का आदमी लोग आते हैं फिर बाहर से बेडरूम दिखाई देता है ना इसलिए। तो अभी कुछ ही दिन हूँ इस रूम पे, यहाँ मैं एक पोस्टर खोल लिया, अभी ये पोस्टर भी खोलना पड़ेगा, इधर एक लगाया था मैंने कल, खोल लिया इसको, और ये बोर्ड वोर्ड तो लास्ट डे उतारेंगे, तो ये पोस्टर भी इसके अंदर डाल देंगे एंड कार्टून से बुक वुक को पैकिंग करना पड़ेगा। यहाँ डस्टबिन भी खाली कर दिया एंड बाहर देखो ना यहाँ भी पानी लीक करता है, ऐसा पानी पूरा गिर के झाड़ू भी भीग गया मेरा पूरा, और ये माहौल है बाहर का। चलो कुछ बना लेते हैं, बिस्कुट एक पैकेट लाया था, सब लोग मिलकर खा के खत्म कर दिया हम लोग। चलो करते हैं काम।
ओके गाइस, लाइट भी आ गया एंड अभी मोबाइल भी चार्ज करेंगे। लेकिन अभी मैं बनाने गया था सब्जी, तो याद आया कि ये तो चिकन मैगी है जो मैं आज खा नहीं सकता। तो फिलहाल के लिए मैं सत्तू खाऊंगा, क्योंकि मैं सुबह में चीनी भी लाया था। एंड दिन के लिए हम सोच रहे हैं राइस और आलू काट लेते हैं। आलू बॉयल करके कर देंगे, आलू को सारा है मेरे पास इन में। तो आलू बॉयल और राइस और अपन नमक के साथ, मिर्चा के साथ एकदम पिटिका बना के खा लेंगे। थोड़ा दाल भी बॉयल कर लेंगे, तो ये कर लेता हूँ फटाफट। बने रहिए, उसके बाद दिखाते हैं हम लोग। गाइस, बर्तन वर्तन पूरा धुला दिया, देखिए एकदम। अभी तीन बर्तन में से पानी भरना पड़ेगा, दो बाथरूम के लिए एक किचन के लिए। तो यहाँ पे हम भर रहे पानी। ओ ओ, भर गया, एक तो भर लिया, दो भी भर लिया, अभी तीसरा। ऐसा भरना पड़ता है, तीन को पानी नहीं आता ना। ये दोनों बाथरूम और ये किचन के लिए, ये सब विशाल से खरीदा था। पर अभी थोड़ा सा बारिश रुका है, ऐसा कुछ मौसम है पासीघाट का। कुछ दिनों के मेहमान हैं हम इस रूम के, इसके बाद चले जाएंगे। तो आज बहुत सारा काम है और काम निपटाने का भी ज़्यादा समय नहीं है। 12:15 बज रहे हैं, अबाउट 2:30 बजे ट्यूशन में बच्चे आ जाएंगे। और यहाँ इतना सुपारी का पेड़ है ना पासीघाट में, सुपारी 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 बहुत कम है। जैक फ्रूट और सुपारी का पेड़ देखो ना, वहाँ नारियल का पेड़ भी है और यहाँ आम का पेड़। सब आम तोड़ ही लिया कच्चा। भूख भी लग रहा है, बाहर जाकर कुछ निरामिष खा लेंगे सोच रहे हैं, इसको खाना भी बैठाना है। ये काम कर लेते हैं पहले, चलो अंदर ले जाते हैं इन लोग को। चलो पानी वानी अंदर रख लिया फटाफट से, चावल बैठाते हैं। चावल धोना भी हमको, तो हम ज़्यादा चावल नहीं लेगा आज, लेंगे हम 2 कप, यहाँ पे 1 कप और 2 आधा, इतना में मेरा रात का भी हो जाएगा। देखो इतना चावल घर से लाया था, अभी तक तो ख़त्म नहीं कर पाए। और ये छोटा सा कटोरा में हम लेंगे दाल, ये है, ये मसूर दाल है। पर आज मंगलवार में तो खाना नहीं चाहिए, पर चलेगा, दाल में क्या निरामिष है, इतना डाल लेते हैं बस, काफ़ी है। इतना मानने जगह तो नहीं होगा, घर जैसा नहीं है ना माहौल। और ये 3 आलू है, इसको पीस करके इसी में धुला कर डाल देंगे, और इसको भी ऐसे अंदर में डाल देंगे, तो ये भी बॉयल हो जाएगा, इसमें पानी डाल देंगे। चलो करते हैं फटाफट, वरना लेट हो जाएगा, बहुत काम है। गैस चावल धोते धोते मेरा एक आइडिया है कि अगर चावल में मैं दाल मिला ही रहा हूँ, आलू भी मिला ही रहा हूँ, तो उसको थोड़ा मसाला भी डाल देता हूँ, खिचड़ी बना देता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसमें आलू डाला, दाल डाला एंड हल्दी मसाला भी डाल दिया, नमक भी डाल दिया, अभी हिला दूंगा, देखते हैं क्या बनते हैं। कभी कभी एक्सपेरिमेंट करके भी देखना चाहिए, पता नहीं क्या बनेगा, पर बनेगा कुछ तो बनेगा ये। बाकी घी व्यू से मार के खा लेंगे इसको। तो अभी सर सीटी मंगाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है। अभी सर चम्मच से हिला के देखते हैं अंदर का रंग क्या हो रहा है। ये देखो, ये तो कुछ गजा भी बनेगा, पूरा खतरनाक बनेगा, जो भी बनेगा पता नहीं क्या बनेगा, पर जो भी बनेगा खतरनाक बनेगा। नमक भी दे दिया मैंने इसमें, चलो करते हैं अभी। तो बैठा दिए हैं गैस में, अभी ये बनते रहेगा, तब तक हम अपना घर का कुछ पैकिंग वैकिंग कर लेते हैं यहाँ पे। अब कार्टून निकालते हैं बिस्तर के नीचे, यहाँ पे कार्टून रखा हुआ है, देखो कार्टून लोग निकालते हैं और केमिकल को पैक करते हैं। पैक करने के बाद उसके बाद हम नहाएंगे, नहा के मंदिर जाएंगे। सो गाइस, यहाँ पर चावल पक गया, एक सीटी मार दिया और एक सीटी मारने से उतार दूंगा, मारने वाला है अभी, मार मार मार। 1 2 3 चलो खाना भी पक गया। और यहाँ मैं देखो मैंने पैकिंग कर लिया, ये बीच वाला सेल्फ को खाली कर दिया, यहाँ पे केमिकल्स लोग को रखा है और एक कार्टून है, इधर भी एक कार्टून है, इसमें बाकी सामान को घुसाऊंगा। बढ़िया, एक एक करके करते हैं, देखते हैं हमें और क्या क्या एडजस्ट होता है, छोटा मोटा चीज़ सब डाल देंगे, ये लोग पूरा डालेंगे हमको। तो गाइस 3 सेल्फ पूरा खाली हो गया, 2 सेल्फ बचा है। और आने का टाइम में ना मेरा तीन कार्टून में पूरा सामान आ गया था, पर अभी पैकिंग करने के वक्त में थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो अभी और एक कार्टून लाना पड़ेगा बाहर से, जिसमें ये पैकिंग करूँगा और ये वाला चीज़ को पैकिंग करूँगा। बाकी ये जो किताब है इसके लिए भी अलग कार्टून लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी खाली है, इसमें भी खाली है, और यहाँ पे भी एक कार्टून खाली है, और यहाँ पे भी हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, एक कार्टून यहाँ पर भी खाली है, तो इन लोग में एडजस्ट करना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप भी है, तो 3 कार्टून तो पैक हो चुका है, अभी और 2 कार्टून पैक करना है अभी, क्योंकि इसको उतारने के लिए तो हमको ये भगवान जी के ऊपर उतारना पड़ेगा, तो अभी नहीं करेंगे, पहले वो वाला कार्टून लोग सेट कर लेंगे बुक्स। वाह,
उसके बाद फिर से लोडिंग करना पड़ेगा, तो ये बस बचा है अभी। तो इधर खाना भी पक गया, तो अभी हम लोग करेंगे बाहर जाते हैं, थोड़ा सा बाहर जाके आते हैं। वाह, बारिश वारिश नहीं है, बाइक निकल सकेगा अभी। और मैं बाइक पूरा भीग जाता है यहाँ पे, नीचे में गाड़ी रखते तो पूरा भीग के ख़त्म हो जाता है। और यहाँ में मेरा रियल मी का बॉक्स और हेडफोन मिला आज, तुमको पता ही नहीं मेरे पास कितना हेडफोन है, यहाँ हेडफोन है, यहाँ में रखते हैं फिलहाल। चलो ओके गाइस, कुछ देर तक रेस्ट लिया फैन के नीचे, बहुत गर्मी लग गया था पैकिंग करते करते। तो अभी मैं ना मनोज बीटू लोग को फ़ोन करूँगा, पम्पम लोग को, उन लोग तो जर्नी कर रहा बना अगले उधर, तो थोड़ा बातें करेंगे। एक्चुअली हम भी साथ में जाने वाला था पर हमारा ट्रिप कैंसिल हो गया, लेकिन भी उन लोग को देखा ना, स्टोरीज में देखा था, बहुत बात करना मनोज। तो अभी बीटूल भाई को, मनोज को कॉल करा था, उसका कॉल नहीं लग रहा था, बीटूल भाई को वीडियो कॉल करते हैं, देखता है लगता है नहीं लगता है, रिंग तो हो रहा है, उठाने से बढ़िया है। हेलो, हमको छोड़ के चला गया, हमको छोड़ के चला गया मनोज, हमको छोड़ के चला गया। तुम लोग एंजॉय करो, एंजॉय करो। अरे यहाँ में तेजू का डॉन भी है क्या? तेजू का डॉन भी है। सेफ जर्नी, अच्छा से जाओ। ये मस्ती कर रहा है पूरा। आगे में दिखाओ ना, आगे आगे दिखाओ ना, आगे दिखाओ ना, आगे। एंजॉय करो, एंजॉय करो, नेट डिस्टर्ब हो रहा है। चलो सेफ जर्नी, सब लोग जर्नी कर रहे हैं। वो मिलान से पुल भी जा रहा है, जो द हिल्स बोल के कुछ था गया चैनल तेजू का, एंड मनोज है, सर प्रियंका जी है, बिटुल है, एंड हमारा उस दिन जब हम रिसोर्ट में गए थे, हमारे वहाँ का क्या नाम है, ईटानगर का क्या जगह का नाम है, ईटानगर में दोईमुख, दोईमुख एक भैया था ना, वो भैया उन लोग को लेके जा रहे हैं, तो पांचों लोग जा रहे हैं, उसमें हम भी होने वाले थे, पर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड जिंदगी हमें नागालैंड जाने से रोक रहे हैं, हमें सब पता नहीं क्यों। चलो अभी चलते हैं, ड्रेस पहन लेते हैं, बाहर जाकर तो बारिश भी नहीं है अभी। गाइस अभी मार्केट आ चुके हैं सानू का दुकान में, अभी ये भाई हमको कार्टून ढूंढ के देगा, दो कार्टून चाहिए। आने का टाइम है, तीन कार्टून में सब पैक हो गए, तो पैकिंग करने गए तो तीन कार्टून में आधा पैक हुआ है। दो कार्टून होने से हो जाएगा, बुक सेट में जाएगा, मतलब वो जो अलमारी का केमिकल वगैरह था ना, वो तीन कार्टून में तीन सेल भी भरती हुआ है, वहाँ से जब पैकिंग किया था तीन में सब हो गया था। अभी आगे जा रहा है, नहीं ऐसे होता है ना, वहाँ मैं एडजस्टमेंट करके पैकिंग किया था, तो अभी तो ये पैकिंग करेंगे। और ये क्या क्या देख रहे हैं, पता नहीं क्या हिसाब किताब कर रहे हैं। शिलोंग तीर, तीर मिलता है लेकिन तुम लोगों ने हम आज तक नहीं काटा जिंदगी में, पर जिंदगी क्या है, एक साल ही हुआ है तीर तो। अच्छा बात है, हमारा तो लाख किस्मत में लॉटरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं, एक किस्मत में एक करोड़ मिलता है ना, जिंदगी बदल जाता। यार पासीघाट का मौसम दिमाग खराब है, बस शिफ्टिंग का दिन है ना, बारिश नहीं होना है। आज हम खाना में क्या बनाया पता है, चावल दाल सब मिला दे, खिचड़ी बना के रखा जाके खाएगा अभी। मंगलवार है ना, 12 बजे के बाद मंदिर बंद हो जाता है ना। हाँ, बना था। हम सुबह से क्लास किया ना, थोड़ा भी वक्त नहीं मिला पाई नहीं। हाँ नहीं, होम ट्यूशन नहीं, वो जो बचा हुआ है अभी हम लोग करवा रहे हैं, सानू को काम दिया, जितना भी पोस्टर सब फाड़ दो, बोल गए दुख लग रहा है ना, मैंने सब लोग चिपकाया था ना, रात रात को घूम घूम के पोस्टर चिपका है, फाड़ना पड़ रहा है, दिमाग खराब हो रहा है एकदम, दुख भी लग रहा है लेकिन सेम टाइम कुछ भी है, मम्मी पापा के पास जा रहे हैं, एंड जो होगा अच्छा होगा वही सोच रहा हूँ। चलो कार्टून ढूंढ लेते पहले। गैस मार्केट से आ गए, दिन का 3 बज रहा है, अभी स्टूडेंट आ जाएगा, 3 से 7:30 तक क्लास चलेगा, तो मुझे खाने का वक्त नहीं मिलेगा, तो फटाफट से खाना खा लेते हैं, प्रेशर कुकर खोल के देखते हैं क्या होना है। एंड बाजार से आने के टाइम मैंने कार्टून नहीं लाया, ये जो पैक करके रखा था, ये कार्टून को शाम को लेके आएंगे, बाइक में 3 कार्टून कैसे लेके आएंगे राइट, तो शाम को हम लोग जाके बाजार में कुछ पोस्टर्स उसको फाड़ेंगे, रितिक का यहाँ में 2-3 पोस्टर लगा था वो भी फाड़ दिए हमने, और बाजार में शाम में बहुत मेहनत से रात रात को पोस्टर लगाया था वो भी फाड़ना है, वो फाड़ के शाम को लेके आएंगे, तो देखते हैं क्या बना है भाई। कुछ तो अलग बनाया है, ये देखो खिचड़ी,
वाओ निकालते भाई, आलू तो कैसे उबल के बाहर निकला हुआ है, देखते हैं। घी से खाते हैं फटाफट, बच्चे भी आ जाएंगे तब तक खा लेते हैं। तो यहाँ मैंने खाना निकाल लिया, काफ़ी बढ़िया है, नमक ले लिया और घी ले लिया। अब इसको खाते हैं फटाफट, कैसा हुआ टेस्ट बताते हैं। थोड़ा नमक मिलाएंगे, घी मिलाएंगे, उपाय नहीं ऐसे खाना पड़ेगा। घर का है घी, घी बहुत ज़्यादा ले लिया मैंने, चलेगा ड्राई ड्राई है ना। तो यहाँ से नमक मिलाएगा, बच्चे भी आने वाले हैं, फटाफट खाना पड़ेगा। खा लेते पहले। रात का बज रहा है 8, अभी जस्ट मैं ट्यूशन खत्म किया हूँ, जस्ट इकोनॉमिक्स क्लास 11 के बच्चा गए हैं अभी, एंड लाइट भी चला गया है, आ रहा है जा रहा है, बार बार ऐसा हो रहा है ना। अभी हमको मोबाइल चार्ज करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, एंड काफ़ी थकान महसूस हो रहा है, पता नहीं आज सुबह से काम वाम किया जा रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है क्या। तो ये बिस्तर बिस्तर एकदम ऐसे पड़ा हुआ है, मेरा एक नया हेडफोन ख़रीदा था ये भी ख़राब हो गया, एंड ये रियलमी का एक बंदा को सेल आउट करने वाला था पर उसने खबर नहीं किया अभी तक भी। अभी भी बैकएंड में बहुत सारा टेंशन है, शिफ्ट तो होना है, उसके अलावा बहुत सारा चीज़ चल रहा है पीछे में, कुछ नहीं, ऑल इज़ वेल। बस आप लोग दुआ करो, आशीर्वाद देते रहो, सब्सक्राइबर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, अच्छा लग रहा था सर। तो बाहर चलते इसको चार्ज करते हैं फटाफट मोबाइल को। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। एक्चुअली कल रात को मोबाइल चार्ज करने ऋतिक का दुकान में गया था, वहाँ से अपन 9:30 ट्रेन को वापस आया, और बाजार में भी जितना पोस्टर वोस्टर था सब फाड़ते हुए घर पर आया, क्योंकि बाजार का पोस्टर के लिए बहुत सारा कॉल आ रहा था मेरे पास ना। घर पे आके इतना ज़्यादा थकान महसूस हुआ कि मैं सीधा सो गया, ड्रेस भी चेंज नहीं किया था, सीधा सो गया। एंड अब भी जस्ट सुबह 5 बजे नींद से उठाऊँ क्योंकि अभी क्लास वर्स कराना है। आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बहुत सारा खुशी मिल रहा है क्योंकि स्पेशली नागालैंड से बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। दोस्त के साथ जा तो नहीं पाया पर आई प्रॉमिस यू जैसे मेरा सब कुछ सेटल हो जाएगा आई विल डेफिनेटली विजिट नागालैंड। थैंक यू सो मच, द पीपल ऑफ नागालैंड आर वेरी लवली, सच में सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं वहाँ से ना, तो मैं नहीं जाके भी आ रहा तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सो मिलते हैं फिर से नए दिन में नए ब्लॉग के साथ, तब तक लिखो स्ट्री अपने मन की कर दिल से बहुत प्रीतम साइनिंग आउट। जय हिंद जय भारत, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।